बुरहानपुर में माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा के चलते गणपति मंदिर से होते हैं वह द्वारा चौराहा सिंधीपुरा गेट मंडी चौक इकबाल चौक सुभाष चौक गांधी चौक से होते हुए जय स्तंभ चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना की जानकारी दी कि बुरहानपुर की जनता झूम उठी और तालियों की बरसात होगी। प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने जनता को संबोधित किया। सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान ने भी जनता को संबोधित किया। इस मौके पर बुरहानपुर नगर निगम महापौर अनिल भाव भोसले निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला और भाजपा नेता मुकेश शाह संभाजीराव मोइन अंसारी ज्ञानेश्वर पाटिल आदि भाजपा नेता उपस्थित थे। पेश है जिला बुरहानपुर से रेखा लहासे की एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप में घोषणा करी कि जब जबकि इस शहर की विधायिका हमारी सबकी लाडली बहन अर्चना दीदी और हमारे वरिष्ठ नेता और इस जगह के सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने जब जबकि इस जिले के लिए और विशेष तौर पर बुरहानपुर के लिए मांगा, उन्होंने हमेशा अपनी भोजन जितना मांगा उससे ज़्यादा दिया और आज भी बोलते गए चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगा और आपके जो काम होंगे जैसे विकास चाहोगे वैसा करेंगे। आपकी खड़ी प्रेम और सुंदर महिलाओं को और आप सहयोग दो। आज मुख्यमंत्री हमारे जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली पूरी बुरहानपुर में इतिहास रच दिया। जो आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को यहाँ के बुरहानपुर की जनता ने दिया, हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी दिया, ये अपार स्नेह देखकर मेरा हृदय भर आया कि ऐसा जन नेता हम सौभाग्यशाली है कि हमको हमारे प्रदेश के मुखिया के रूप में मिला है और वो निरंतर यहाँ पर मुख्यमंत्री बना रहे। यही सब लोगों से हमने निवेदन करा था और आज देखा कि उसको जिस तरीके से आशीर्वाद मिला, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए नंदू भैया ने एक नारा दिया था अब की बार 200 पार, उसके अंदर बुरहानपुर की सीट भी रहेगी और मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के दीप के पुनः चौथी बार हम शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये इसलिए थोड़ी आशीर्वाद देते हुए निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। आपका शुभनाम? मैं बुरहानपुर नगर पालिक निगम में स्पीकर के पद पर हूँ और मेरा नाम मनोज तारवाला। क्या प्रोग्राम रहे सर आज? जी आज का क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा थी और आपने देखा होगा कि हर समुदाय और शहर के हर गरीब और अमीर लोगों ने बढ़ चढ़ कर आपको आशीर्वाद दिया। जैसा वो चाहते थे उससे ज़्यादा हमने देने की कोशिश की है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले कल में जैसा कुछ उन्होंने चाहा है उससे ज़्यादा उन्हें देने की हम कोशिश करेंगे। हमने बुरहानपुर में हमको किसी भी किस्म के प्रोपोगंडे की या किसी भी किस्म की तहरीक चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने अपने आप में खड़े होकर एक नारा दे दिया कि फिर दे दी फिर शिवराज और आने वाले कल में बुरहानपुर इसी 200 पार के अंदर सबसे पहली सीट होगी जिसमें हम जीत कर शिवराज सिंह के राज तिलक के लिए भोपाल पहुँचेंगे। आपका शुभनाम सर? मेरा नाम है मोइन अंसारी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन से पार्टी बनी उस दिन से आज तक उसका कार्यकर्ता हूँ और हर बुरे दौर से निकलकर आज मैं जो है 10-15 सालों में हुकूमत में बैठकर सब कुछ देख रहा हूँ कि जो 60 साल में काम नहीं हुआ है वो आज बुरहानपुर के अंदर इन 10 सालों में हुआ है। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने आज उन तमाम लोगों के मुंह पर एक ऐसा ज़बरदस्त तमाचा मारा है जो भारतीय जनता पार्टी पर फिरकापरस्ती का इल्ज़ाम लगाती है। आज बुरहानपुर शहर में जो कुछ भी हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना में, इसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के कम और मुस्लिम भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमने राशि प्राप्त की है और सबसे ज़्यादा मकान उनके बन रहे हैं। जननी योजना से लेकर बिजली के बिलों का भी जो लाभ मिला है वो बुरहानपुर में मुस्लिम समुदाय को ज़्यादा मिला है। मैं हिंदू मुस्लिम का आदि नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का नहीं बल्कि उसकी राष्ट्रीय विचारधारा के युवाओं का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो कुछ आज चल रहा है उसके सामने मजबूरन मुझे कहने पर आज मजबूर।